इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्नैपचैट पर आपको एंटर योर लॉगिन कोड नहीं आ पाता आपके जीमेल पर, तो हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप स्नैपचैट पर कुछ भी प्रोसेस करते हुए होते हैं बेसिकली, और वहाँ पर कोड मंगवाते हैं अपने जीमेल पर, तो आपके जीमेल पर जाता है, जो भी आपका अकाउंट लगा हुआ होता है उस जीमेल से अटैच होकर वो चला जाता है। बट अगर यहाँ पर अगर आ नहीं पाता है तो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, देखिए प्ले स्टोर में जाना है और स्नैपचैट को यहाँ पर सबसे पहले अपडेट कर लेना है आपको, सही है। उसके बाद आपको ईमेल पर भी जाना पड़ेगा, जीमेल पर, जीमेल एड्रेस जो एप्लीकेशन होती है उसे भी यहाँ से अपडेट कर लेना है, ठीक है। दोनों को यहाँ पर अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जो है आपको अकाउंट एंड स्कैनिंग पर जाना है और इसे खोलकर यहाँ से जीमेल को स्कैन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, बाकी यहाँ से बैक ला दीजिए और फिर यहाँ पर ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए और यहाँ पर जीमेल को सर्च कर लीजिए, ठीक है। हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लग रहा है तो दोनों पर टिक करके आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्नैपचैट को भी यहाँ पर इसी तरीके से क्लिक करना है और यहाँ से इसको भी स्टार्ट कर देना है यहाँ पर इंटरनेट, बाकी नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर दीजिए तो आपको कोई दिक्कत देखने के लिए यहाँ पर फिर नहीं मिलेगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका, बाकी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या इशू चल रहा है और मेरा फ़ोन नंबर भी आपको साइड में दिख रहा होगा, वहाँ पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चल रही है तो। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।